Hello students, in this video we are going to discuss relation between electric field and electric potential, and we also discuss potential gradient. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बीच रिलेशन हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है. वो रिलेशन क्या है? डीवी इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो में फाइंड किया हुआ है. एक ही रिलेशन होता है. देखो इसको हम अब पोटेंशियल ग्रेडियंट तक लेके जाएंगे. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो देखो जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कोस थीटा. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा? डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कोस थीटा. इसके बाद माइनस साइन को इधर ले जाओ, डी आर को इधर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा? माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू ई कोस थीटा. अब ये क्या चीज है? डी वी बाई डी आर दैट इज रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. यानी कि डिस्टेंस चेंज करने पे पोटेंशियल की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो बताएगा डी वी बाई डी आर. या ये बोल सकते हैं कि यूनिट डिस्टेंस चेंज करने पर पोटेंशियल की वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो हमको क्या बताएगा, वो क्या होगा? डी वी बाई डी आर दैट इज रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. ये हमारे पास आ गया, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आई? ई कोस थीटा. अब जो ये रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी. और कोस थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी? जब थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री हो. थीटा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसके बीच एंगल अगर जीरो डिग्री है तो कोस थीटा की वैल्यू वन, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हमारे पास डी वी बाई डी आर की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. तो ये हमारे पास आ गया माइनस डी वी बाई माइनस डी, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, माइनस डी वी बाई डी आर मैक्सिमम इक्वल्स टू ई. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइनस डी वी बाई डी आर मैक्सिमम, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है. और वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. देखो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग क्या है, थोड़ा सा सुनना, ध्यान से सुनना. देखो ये क्या चीज है? माइनस डी वी बाई डी आर मैक्सिमम. ठीक है, जहां पे माइनस साइन तो ये डिनोट कर रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, वो हम आगे देखेंगे. और डीवी बाई डी आर मैक्सिमम, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये क्या चीज है? देखो जैसे डीवी बाई डी आर हमको क्या बता रहा था? यूनिट डिस्टेंस चलने पे पोटेंशियल की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है. तो डीवी बाई डी आर मैक्सिमम ये हमको क्या बताएगा? यूनिट डिस्टेंस चलने पर पोटेंशियल की वैल्यू में मैक्सिमम कितना चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट. दैट इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, यूनिट डिस्टेंस चले मैक्सिमम जो चेंज आ सकता है, मैक्सिमम चेंज पोटेंशियल में, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, अब इसकी हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी. देखो मैं क्या करता हूँ, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कंसीडर कर लेता हूँ. सपोज मेरे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है. ठीक है, ये एट, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस वन, और ये सेकेंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस है. यहाँ पे इसके इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 8 वोल्ट है और इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 4 वोल्ट है. ठीक है, मैंने क्या किया, कोई चार्ज है यहां से, उसको इस सरफेस से इस सरफेस तक लेके आना है. तो उसकी पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा? ये 8 वोल्ट पे था, कहां चला गया? माइनस 4 वोल्ट पे. तो चेंज कितना आया, चेंज कितना आया? 4 वोल्ट का चेंज आया. चाहे इस पाथ को फॉलो करूं, चाहे मैं इस पाथ को फॉलो करूं, चाहे मैं ऐसे करके किसी भी पाथ को फॉलो करूं, ये 8 वोल्ट से 4 वोल्ट वाले सरफेस पे जंप किया, तो चेंज कितना आया? 4 वोल्ट का आया. अब हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन देखनी है, उसको समझना है. कैसे समझेंगे? सपोज मैंने ये पाथ नंबर टू, ये वाला पाथ नंबर जो सेकंड है, इसको फॉलो कर रहा हूं मैं.
ये जब मैंने पूरी 4 मीटर डिस्टेंस चली, पोटेंशियल में चेंज कितना आया 4 वोल्ट का। तो अगर 1 मीटर डिस्टेंस चलूं तो कितना आएगा, देखो 4 मीटर चलने पे 4 वोल्ट का चेंज आया, तो 1 मीटर चलने पे कितना चेंज आया 1 वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं अगर इस पाथ पे हम 1 मीटर चलते हैं तो पोटेंशियल में चेंज कितना आता है 1 वोल्ट, यानी कि इस पाथ के लॉन्ग रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल कितना 1 वोल्ट। अब ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करो, ठीक है। मैंने क्या कंसिडर किया था कि ये वाला पाथ है ये 4 मीटर लंबा है, अब ये स्ट्रेट पाथ है इससे तो कम होगा, तो सपोज इस पाथ की लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो 2 मीटर डिस्टेंस चलने में पोटेंशियल में चेंज कितना आया 4 वोल्ट ही आएगा, इस सरफेस में गए तो 2 मीटर पे 4 वोल्ट का चेंज आया, तो 1 मीटर पे कितना चेंज आएगा 2 वोल्ट। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल किस पाथ के लोंग है, फर्स्ट पाथ, ये वाला जो फर्स्ट पाथ है इसके लोंग के, सेकंड पाथ इसके लोंग। देखो सेकंड पाथ के लोंग तो 1 वोल्ट था, फर्स्ट पाथ के लोंग 2 वोल्ट है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इस पाथ के लोंग है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू भी इसी तरफ होगी। इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन दे सकते हैं हम। अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट करने पे मिला था, अब उसको देखो यहाँ पे कैसे हम फिजिकली उसका सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं। देखो एक चीज याद रखना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है K Q by R पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर R बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा घटेगा, डेफिनेटली घटेगा, है ना। तो देखो जैसे ये चार था, थोड़ा सा याद करवा दूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर मैं क्या करूंगा इधर की तरफ जाऊंगा जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो पोटेंशियल लगातार घटता जा रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हम क्या करते, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी अंदर की तरफ होती, तो अगर मैं अंदर की तरफ आता जाऊं तो चार्ज ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, माइनस KQ/R होगा। R बढ़ेगा तो ये R अगर घटेगा तो नेगेटिव में KQ/R बढ़ता जाएगा, यानी ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है, मींस पोटेंशियल की वैल्यू घटती जा रही है। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा। अब यहां पे देखो पोटेंशियल 8 वोल्ट, यहां पे 4 वोल्ट, ठीक है। इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किस तरफ होनी चाहिए, इसी तरफ होनी चाहिए। अब इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन वो कैसे पता करेंगे। देखो ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस है, हमने इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो इट मीन्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ये और जाना इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। जा भी हम इसी पाथ के लोंग रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीआर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगी, तो थीटा इक्वल्स टू क्या पुट किया था हमने 0 डिग्री, तो वही तो मैंने बोला था, है ना, ठीक है। तो ये इसका मेन था। अब अगर ये वाला क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू -dV/dr मैक्सिमम, ठीक है। डीवी निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 4, इनिशियल कितना है 8, डिवाइड बाय dr, डिस्टेंस हम कौन सी चलेंगे जहां पे मैक्सिमम है पोटेंशियल डिफरेंस 2, तो ये क्या बनेगा, देखो 4 - 8 - 4, -4 × -4 डिवाइड बाय 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यूनिट क्या होती है इसकी न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। देखो ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, अभी देखो ये वाला जो टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, ई एंड वी के बीच जो रिलेशन है, इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो 3-4 न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और इस वीडियो के पर कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, तो सभी कमेंट करेंगे, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना। हैव ए नाइस डे।